हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो एक हीलिंग क्ले है, मुल्तानी मिट्टी। ये वीडियो खास तौर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कैसे करें, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छा हीलिंग क्ले है हमारे फेस के लिए। ये हमारे फेस से सीबम, तेल, ऑयल, प्रदूषण और गंदगी को रिमूव करता है और हमारे फेस को क्लीन करता है। और गर्मियों में तो हमें मुल्तानी मिट्टी वीक में एक बार ज़रूर यूज करनी चाहिए, ताकि हमारे फेस पर जो मौसम में जो प्रॉब्लम आती हैं वो सारे इस फेस पैक को यूज करने से दूर हो जाएंगी। ये फेस पैक खासकर उन स्किन वालों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेंसिटिव स्किन वाले मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किस तरीके से करें। तो आप वीडियो पूरा देखें एंड तक। फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक खाली बाउल, कच्चा दूध, रॉ मिल्क, एलोवेरा जेल और इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, जो डली वाली मुल्तानी मिट्टी आती है, उसको पीस के रख लिया है, वो मुल्तानी मिट्टी। तो चलो फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस को कर लेंगे क्लीन। क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। अब एक कॉटन बॉल की हेल्प से आप कोई भी फेस पैक लगाएं तो उससे पहले आप अपने फेस को क्लीन करना मत भूलिएगा। कच्चे दूध में लैक्टो एसिड काफ़ी मात्रा में रहता है, जो हमारे फेस को गंदगी से रिमूव करता है। सुना होगा ना, पुराने जमाने में रानियां दूध से नहाती थी। फेस हो गया है क्लीन। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, उसमें मैंने मिला दिया है कच्चा दूध और एलोवेरा जेल। तो मुल्तानी मिट्टी ये डले वाली थी, इसको मैंने कोट लिया है, कोट के एक खाली कंटेनर में भर के रख लिया है, जिससे ये आपको वीक में एक बार लगाने के लिए आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स और फिर लगा लेना अपने फेस पे। यदि आपको ये लगे थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसे में कच्चा दूध और मिला सकते हैं, जिससे ये आपके फेस पे आसानी से लग जाए। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी हीलिंग क्ले है हमारे फेस के लिए। आपको गर्मियों में वीक में एक बार ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेस से सारी गंदगी को रिमूव करता है और हमारे फेस पे एक ग्लो लेके आता है। फेस पैक लगा के आपको 15 मिनट छोड़ देना है। इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर, रनिंग वाटर से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फेस पे एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल से 5 मिनट मसाज कर लेनी है और अपने फेस को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये फेस पैक इवनिंग में लगाते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
फ्रेंड्स, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नॉर्मल और कॉम्बिनेशन और स्किन टाइप वाले, ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस पैक को लगाने में। चाहे आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं इसे लगाने से पहले। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तो आप इसे 15 मिनट बाद वॉश कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।